नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनाथ और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। कई बार कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो दिखती हैं कि कोई एक्सीडेंट या अचानक से हुई कोई घटना है, लेकिन अगर गौर करें तो उसमें कई सारे राज छिपे हुए रहते हैं। जैसे कि अभी 6 दिन पहले ही एक युवक की मौत हो गई। देखने पर तो लगता था कि कोई जहरीली वस्तु खाने की वजह से मौत हुई, लेकिन जिन परिस्थितियों में युवक की मौत हुई उन परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और इसलिए इस घटना की जाँच के लिए परिजन जिला पुलिस अधीक्षक से भी मिले और इसकी जाँच की मांग भी रखी। 6 दिन बाद पुलिस ने मामला भी दर्ज किया। चलिए आपको ये पूरी घटना सिलसिलेवार बताते हैं और कई सवाल भी उठाते हैं, वो भी आपको बताते हैं। एक युवक जो मनामा मोटर्स में सेल्स इंचार्ज का काम करता था, उम्र होगी कोई 30 वर्ष, अच्छा भला युवक जिसका नाम था चेतन नागदा, काम से फ्री हुआ और फिर निकला सुखेर की तरफ अपने दोस्त धीरज से मिलने। धीरज के यहाँ पहुंचकर आगे बालाजी होटल पर अनिल नाम के एक और युवक से मिलने का प्लान बना। अनिल बालाजी होटल में रुका हुआ था, चेतन और धीरज उससे यहीं मिलने पहुंचे थे। कहानी यहां से शुरू होती है। यही वो होटल थी जहां चेतन अचानक गश खाकर गिर पड़ा और दोस्त उसे हॉस्पिटल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 21 जुलाई का ये सारा वाकया है। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही चेतन की सांसों की डोर टूट चुकी थी। अब इकलौते बेटे की दुनिया से यूं चले जाने का वो माँ और पिता भरोसा करे तो कैसे करे। वो घर में चेतन का इंतजार करती उसकी पत्नी और 3 साल का छोटा सा बच्चा जो रोज शायद अपने पिता से चॉकलेट मिलने की उम्मीद में राह देखता होगा, वो कैसे ये समझे कि अब उनके सर से पिता का साया उठ चुका है। कुछ बातें हैं जो चेतन के परिवार द्वारा बताई गई, वो सभी संदिग्ध ही प्रतीत हो रही थी। जैसे धीरज ने घटना की रात पड़ोसी जसपाल, जो मनामा में ही कार्यरत है, उसको फोन कर घटना की जानकारी दी थी, जबकि धीरज के पास परिवार के लोगों के नंबर भी थे तो उन्होंने उसको सूचना क्यों नहीं दी। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो चेतन का शव नीला पड़ चुका था और मुंह से जाग निकल रहे थे। मामला संदिग्ध लगने पर ही डॉक्टर ने भी पोस्टमार्टम की राय दी थी। दूसरी वजह यह है कि अनिल भुआना का ही रहने वाला है तो होटल में महंगा रूम लेकर क्यों रह रहा था। चेतन को हॉस्पिटल लेकर आए तब उसके सभी साथियों के कपड़े अस्त व्यस्त क्यों थे। इमरजेंसी में घटना स्थल के नजदीक किसी भी हॉस्पिटल में ले जाने की बजाय लंबा रास्ता चुनकर एमबी अस्पताल लाना किसी के गले नहीं उतरता। इनके द्वारा बताया गया कि घटना के वक्त होटल में धीरज और अनिल के अलावा कोई नहीं था, तो हॉस्पिटल में वे 4 युवक कौन थे जो चेतन को वहां छोड़ते ही रवाना हो गए। होटल पहुंचकर चेतन ने पानी पिया और सिर्फ एप्पल का एक टुकड़ा खाया था और 5 मिनट में ही गिरकर मर जाना संदेह पैदा करता है। परिजनों ने बताया कि धीरज के द्वारा उन्हें कहा गया था कि वहां 2 जनों से चेतन की बॉडी नहीं उठ पाने की वजह से होटल स्टाफ की सेवा ली गई थी, परंतु होटल पर कोई और नौकर था ही नहीं, केवल एक लड़का भगवत सिंह है, वो भी भुआना निवासी ही है। ये सारी बातें परिवारजनों को संदिग्ध लगती हैं और उन्हें लगता है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या की साजिश थी, जिस पर गहन पड़ताल होनी चाहिए। धीरज और अनिल डांगी से पूछताछ होनी चाहिए। समाज के लोगों ने बताया कि चेतन की पत्नी 28 साल की उम्र में बेसहारा हो गई, 3 साल के बेटे और मधुमेह से पीड़ित पिता का आसरा भी छिन गया। ऐसे में जांच होनी जरूरी है। परिजनों और समाज के लोगों ने हत्या की आशंका जताते हुए मंगलवार दोपहर SP डॉक्टर राजीव बचार को परिवाद भी दिया। SP के आदेश पर सुखेर थाना पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मामला पुलिस के पास है, अब जांच में क्या निकल कर आता है ये पुलिस अनुसंधान का विषय है। असमय अपने परिवार के इकलौते चिराग को खो देने वाले चेतन के माता पिता, उसकी पत्नी और मासूम बच्चे को अब कानून से ही आस है, न्याय की दरकार है। उम्मीद है सच जल्द ही सबके सामने होगा। बच्चे के पिताजी जी अंकल, मैं दुर्गा शंकर शर्मा नागदा उनके बच्चे का पिता हूँ। मेरे बच्चे का साक्षात मर्डर हुआ है, उसको धोखे में लेकर के होटल में हम ले गए हैं, वो लोग उसकी जानकर से जांच की। मैं ओम प्रकाश नागदा, चेतन जी मेरे दामाद थे, मनामा में सेल्स मैनेजर थे। वहाँ से 21 तारीख शाम के टाइम उनका एक मित्र धीरज और दोनों के अंबेरी जाने के लिए निकले। रास्ते में ही धीरज ने उनके कोई मित्र को भी ठहरा हुआ था सुखेर एक होटल बालाजी होटल में, वहाँ उनको रोका, 10 मिनट में मिल के चलते हैं। ये 7:30 बजे यहाँ से निकले और 8:30 बजे तक वहाँ सुखेर पहुँचे। स्पीड का कोई वो बता नहीं पा रहा धीरज की भी इतनी देर रास्ते में कहाँ टाइम वेस्ट किया उसने। वहाँ गए और 10 मिनट के अंदर ही उस होटल के अंदर में जो पुलिस वालों ने वीडियो क्लिप ली उस होटल की, उसमें 11 मिनट का टोटल टाइम लगा इंटर होने का और बाहर निकलने का। 11वें मिनट में बाहर निकलते हुए उनको जैसे बॉडी अनकॉन्शियसनेस में या जैसे भी लाए वो निकाल के पंपिंग करते वो बताया गया वीडियो के सामने उनको CCTV फुटेज में, और वहाँ से लेके वो हॉस्पिटल आए। वो हॉस्पिटल से हमको जो मैसेज मिला और हम गए तो डेड बॉडी मिली।
उसके बाद में वो धीरज कंटिन्यू अपने बयान है बार बार चेंज किया, कभी कह रहा है वहाँ से होटल में कोई आदमी था नहीं, कभी कह रहा होटल के स्टाफ ने उनको बोली उत्तर भाई हमारे साथ में, कभी कुछ कह रहा है उस तरह से विरोधाभास लग रहा। हमारा जो शक जा रहा था कंटिन्यूस में जा रहा है और पुलिस को बराबर प्रेस दे रहे हैं कि इसको जाँच करो। आज किस मामले को लेकर आज इसको लेकर पूरा डाउट है बच्चे का मर्डर कर एक सेकंड खान पान के मामले में जहाँ तक बात आई, वो धीरज कह रहा है कि एप्पल का पीस लिया और थोड़ा सा पानी लिया था, उसके सिवा कुछ हुआ नहीं और उसके बाद में वो वहीं पर पलंग पे बैठा बैठा वहाँ नीचे लुढ़क गया, उसकी डेथ हो गई। दोस्तों सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है, स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है, बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।